गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद डेली कमोडिटी पॉडकास्ट टुडे 25th ऑफ मार्च। देखिए, कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में हमने जबरदस्त एक मार्केट में मोमेंटम आते हुए देखा, जो इक्विटी मार्केट में तो अपनी जगह चल रहा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में हम जो वॉर प्रीमियम की बातें कर रहे थे बार बार में, वो कहीं ना कहीं अब डिस्काउंट होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते हमें लगता है आने वाले दिनों में तेजी का रुख कायम रहेगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एडवांस टैक्स के जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद है बहुत ज्यादा है। इंडिया का एक्सपोर्ट्स के डेटा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट के अंदर फैक्टर्स काफी रहेंगे। तो ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो डाउजन, S&P, नेस्डेक, रसल काफी पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं। वहीं वीक्स में धीरे धीरे गिरावट आती हुई दिखाई दे रही। क्रूड अगेन, कल भी हमने देखा मार्केट इर्द गिर्द ही घूम रहा था $120 के करीब, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि जो सप्लाई कंसर्न, इनफैक्ट कल एक अपडेट ये भी आया था कि जॉय बिडेन यूरोपियन टूर पे है, वहां पे बताया जा रहा है कि रशिया हैज डिमांडेड कि अगर आपको ऑयल और गैस चाहिए तो वी नीड पेमेंट इन गोल्ड, जिसको US ने मना किया है। बट ओवरऑल आई थिंक ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा गोल्ड के फ्यूचर्स के लिए, और मुझे लगता है कि सप्लाई डिस्टर्बेंस कंटिन्यू है जो नए हाइज की तरफ ब्रेंट और WTI को ले जाता है दिखाई देगा। नेचुरल गैस के अंदर भी 5.43 का लेवल हमने बनते हुए ऑलमोस्ट देखा है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है। वहीं कॉटन, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, क्रूड की तेजी का सीधा सीधा इम्पैक्ट कॉटन पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब 130 सेंट के ऊपर निकल चुका है, जो 131.50 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मैनमेड फाइबर महंगे होंगे तो कॉटन भी जरूर होता हुआ दिखाई देगा। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सोइंग के ऊपर आप नजर रखिए, क्योंकि जिस ढंग से वीट में और बाकी कमोडिटीज में तेजी आई है, कहीं ना कहीं कॉटन का जो सोइंग एरिया है वो शिफ्ट हो सकता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन। वहीं अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो कंटिन्यू गोल्ड में तेजी का रुख बना हुआ है, अब नया बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1920 का, और जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1956 से 1970 का लेवल दिख सकता है, आज के सेशन में हम 1970 का लेवल ब्रीच होते हुए देखेंगे। वहीं चांदी भी शार्प रिकवरी के साथ $26 के ऊपर निकल चुकी है, जो कहीं ना कहीं 26-40 तक का लेवल आज के सेशन में निकलेगा। प्लेटिनम, प्लेटिनम कॉपर सभी में हम तेजी का रूप देख रहे हैं। वहीं सोयाबीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम 1700 के ऊपर निकल चुके हैं, वीट में तेजी है। वहीं डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जिसके चलते यूरो, GBP, JPY में हमने तेजी देखी है। वहीं अगर हम LME की बात करें तो कल की गिरावट के बाद आज कॉपर 0.5% की तेजी, जिंक में 1.5% की तेजी, एल्यूमिनियम में 0.5% की तेजी, लेड में 0.5% की तेजी। तो कहीं ना कहीं जिंक के, कॉपर पे और एल्यूमिनियम पे, ये तीन कमोडिटी पे पोजिशनली आप बाइंग साइड रहिए, क्योंकि मार्केट में जबरदस्त तेजी का माहौल कंटिन्यू रहेगा सप्लाई डिस्टर्बेंस को लेकर। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कल के सेशन में 0.5% की तेजी के साथ पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 2 वीक के अंदर के 52,000 का लेवल फिर से रिगेन कर लिया गया है। ध्यान रखना, अगर 52,200 के ऊपर गोल्ड निकल जाता है तो 52,650 का टारगेट गोल्ड में रहेगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो फ्रेश बाइंग के चलते कल हमने 1.5% की तेजी आती हुई देखी, प्राइजेस 69 के ऊपर सस्टेन कर गया है। 70,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ते ही 72,000 तक का लेवल दिखा सकता है। पोजिशनली ट्रेडर्स गोल्ड और सिल्वर में बाइंग बना के चल सकते हैं। वॉलिटिटी रहेगी बट टाइम काफी बुलिश है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न ग्लोबल मार्केट को अभी भी इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा विद द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ क्रूड ऑयल। वहीं क्रूड की बात करें तो कल हमने मिला जुला ट्रेड क्रूड के अंदर होते हुए देखा, जहां पे 8600 के ऊपर जरूर क्लोज दिया है। टेक्निकली थोड़ा पुल बैक आता हुआ दिखा भी दे, लेकिन बाइंग करके चलिए 9,200 का लेवल दिखा सकता है, या ब्रांड जब तक 112 के नीचे नहीं जाता है ऊपर में 124 का लेवल तोड़कर 130 तक का लेवल ब्रांड क्रूड ऑयल दिखा देगा। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो कल एकाएक हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 4.25% से ज्यादा की तेजी नेचुरल गैस में बनते हुए देखी और प्राइजेस 410 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली थोड़ा सा लग रहा है मार्केट 420 का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबिलिटी थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो कल हायर लेवल से वॉलिटिटी काफी अच्छी थी। वॉलिटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल हमने हायर लेवल से कॉपर में 1% की गिरावट, जिंक के अंदर 3.5% की गिरावट, एल्यूमिनियम और लेड में सब में हमने गिरावट देखी। बट ये जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है, जिसका मतलब है कि ट्रेंड बाय ऑन ड्रॉप का ही रहना चाहिए। कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ध्यान रखिए कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, क्योंकि लेड अभी एक रेंज में चल रहा है जो 182 से लेकर 185 के रेंज में था। नया कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल का 86 का लेवल ब्रीच करने पे 92 तक का भी लेवल दिखा दे, तो बेस मेटल में आपको बाय और ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। कुछ फंडामेंटल साइड की बात करें तो SPDR की होल्डिंग्स हमने देखा था कि एक साल के हाई पे फेड ने अभी भी इन्फ्लेशन कंसर्न बता रखा है,
कहीं ना कहीं जो नंबर आ रहे हैं यूएस के, वहां पे इम्प्रूवमेंट देखा गया है, बट फिजिकल डिमांड गोल्ड की कंटिन्यू है। क्रूड में भी हमने देखा कि जो स्टॉक पोजीशन है वहां पे ड्रॉप देखा, जिसकी वजह से क्रूड में सपोर्ट है। इन्वेंट्री जो यूएस की स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, ये कल भी हमने देखा था कि इसमें डिक्लाइन दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम एग्री कमोडिटी की बात करें, तो एग्री कमोडिटी के अंदर कल मेंथा में हमने 2.5% की गिरावट आती हुई देखी। कॉटन फ्लैट टू नेगेटिव रहा। वहीं गवार सीड, गवार गम में भी आधे आधे परसेंट की गिरावट थी। कैस्टर हमने फ्लैटिस मोड के साथ ट्रेड करते हुए देखा। कॉटन सीड ऑयल के एक आधे परसेंट की तेजी की गिरावट के साथ देखा। मसालों के अंदर तेजी अच्छी बनी है, लेकिन आप एक चीज देखिए, हल्दी मैंने पहले भी कहा था कि जबरदस्त तेजी रहेगी, लेकिन दिस इज नॉट अ टाइम कि हल्दी को 3-4% बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक जो तेजी आई है वापस प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। 8500 इज अ गुड लेवल, यहाँ पे हम लोग एक अच्छी बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। जबकि जीरा धनिया जम जरूर करेगा, बट सस्टेन नहीं करेगा। कल भी हमने आधे परसेंट की 0.25% की तेजी देखी है दोनों ही काउंटर में शॉर्ट कवरिंग के लेकर। आज के ट्रेड सेटअप की बात करें तो मेंथा अभी भी काफी लुक्रेटिव है, मेंथा में बाइंग करके चलिए। कॉटन भी लुक्रेटिव है, लेके चलिए, जो 42,000 तक का टारगेट रहेगा। गवार सीड, गवार गम कंसोलिडेशन है, अगर 6160 के ऊपर निकलता है तो 6250 तक का भी लेवल हम गवार सीड में देख पाएंगे। गवार गम भी 11,800 तक का लेवल दिखा देगा। कैस्टर एक रेंज में अटक चुका है जो 72 से लेकर 7450 की रेंज में रहेगा। जीरा धनिया वेट कीजिए, बाइंग नहीं करना है, कोई भी हालत में कैरी मत कीजिए कम से कम। कल भी जीरे में हम 22 के ऊपर जाते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं किया, मार्केट वापस टूटता हुआ दिखाई दिया। हल्दी में कल की तेजी के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म हल्दी थोड़ी ठीक लगती है एज कम्पेयर टू जीरा धनिया। टाइमिंग करेक्शन के बाद हम ले सकते हैं। वही कॉटन सीड ऑयल के अंदर हमने 3300 के ऊपर प्राइस सस्टेन होते हुए देखा नहीं, ना ही 3270 के नीचे देखा है। आज 3270 के करीब मिले, लेके चलिए। 3320 का लेवल तोड़ने पे 3360 तक का लेवल हम देख पाएंगे। करेंसी के अंदर भी कल हमने देखा एक्सपोर्ट के जो डेटा आए हैं उसके बाद रुपी में थोड़ा स्ट्रेंथनिंग हुई है, बट कहीं ना कहीं 7620 से 7660 के रेंज में रहेगी। बाय ऑन ड्रॉप यूएसडीआईएनआर रहेगा। यूरो जीबीपी जेपीवाई में आज तेजी का रुख कायम रहेगा। अगर चार्ट ऑफ द डे की बात करें तो कॉपर का वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, जो संकेत देता है कि 900 रुपए तक का भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है, जो कहीं ना कहीं 1680 का बेस ऑलरेडी 2021 में हमने बनते हुए देखा है डबल टाइम, और मार्केट एज लॉन्ग एज 1870 के ऊपर मेंटेन है, प्राइस आर हेडिंग टूवर्ड्स $2,300। ओवरऑल तेजी का रुख ही है। साथ में मैंने आज एक ट्वीट भी किया, चार्ट काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो है गोल्ड कॉपर रेशियो, जहां पे हिस्टोरिकल लो पे हम गोल्ड कॉपर रेशियो बता रहे हैं, जिसका मतलब है कि गोल्ड कॉपर के मुकाबले सबसे सस्ता आइटम है आज की डेट में। मतलब जितनी तेजी अभी तक गोल्ड में देखी है ये तो खाली एक ट्रेलर है, बड़ी तेजी बाकी है जो 2018 से 2020 के हाई पे हमने देखा था, ऐसा ही कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल आज के सेशन में सोना चांदी और बेस मेटल के अंदर हमें लेके ट्रेड करना चाहिए। With this, I end my session. Thank you so much.